हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से एमएससी मैथमेटिक्स इंटरव्यू देख रहे हो तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये क्वेश्चन है, सपोज हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। फ्रेंड्स, ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। जैसे ये है, हमारे पास जेड टू प्लस जेड थ्री इज आइसोमॉर्फिक टू जेड सिक्स, जेड थ्री प्लस जेड सिक्स इज आइसोमॉर्फिक टू जेड नाइन, जेड फोर प्लस जेड सिक्स इज आइसोमॉर्फिक टू जेड ट्वेंटी फोर, जेड टू प्लस जेड थ्री प्लस जेड फाइव इज आइसोमॉर्फिक टू थर्टी। तो फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन देखने के लिए हमें कोई पेन कॉपी उठाने की जरूरत नहीं होती। सिंपली सॉल्यूशंस देखने के लिए हम देखते हैं ये नंबर देखते हैं और ये नंबर देखते हैं। अगर इन दो नंबर का एलसीएम इक्वल टू दिस नंबर हो तो उस कंडीशन में ये स्टेटमेंट ट्रू होता है। जैसे हमारे पास जेड टू एंड जेड थ्री, टू और थ्री का एलसीएम देखें तो सिक्स है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। यहां पर देखें थ्री थ्री, तो यहां पे हमारे पास इसका एलसीएम इक्वल नोट नाइन है, क्योंकि इसका इक्वल जो एलसीएम वो थ्री आएगा, तो उस कंडीशन में ये जो है स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। इसमें देखे जेड फोर और जेड सिक्स, तो इसका अगर एलसीएम आता तो वो ट्वेंटी ट्वेल्व आता, तो बट यहाँ देगा ट्वेंटी फोर, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे देखे जेड टू जेड थ्री जेड फाइव, अब इनका एलसीएम देखे तो इनका एलसीएम सिक्स एंड फाइव का देखे तो ये हो जाएगा हमारे पास थर्टी, तो इसका एलसीएम है हमारे पास थर्टी, तो यहां से हम कह सकते हैं ये भी हमारे पास आइसोमॉर्फिक टू 30 है। तो इस ऐसे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखने के लिए सिंपली नंबर्स देखिए, एलसीएम देखिए, नंबर देखिए, एलसीएम देखिए, और अगर जो मैच हो जाते हैं वो स्टेटमेंट ट्रू होते हैं, और जो नहीं मैच होते वो स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाते हैं। तो फिर इस तरह से इसके दो क्वेश्चन, दो ऑप्शन करेक्ट थे, ए एंड डी। ऐसे और बहुत सारे क्वेश्चन के देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर देखिए। थैंक यू फ्रेंड्स।